प्रदेश के सबसे चर्चित मामलों में से एक हनी ट्रैप मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हनी ट्रैप मामले के चार आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी के आरोप में एसआईटी द्वारा शनिवार को राजधानी की जिला अदालत में पेश चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चार्जशीट में मानव तस्करी मामले की पीड़िता और हनी ट्रैप मामले की आरोपी मोनिका यादव ने पुलिस को दिए बयानों में बताया है कि इन आरोपियों के साथ राजधानी और प्रदेश के कई बड़े बिजनेसमैन और पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित श्रीवास्तव की अदालत में चालान पेश किया गया है। अदालत में पेश चालान में खुलासा हुआ है कि मामले में आरोपी आरती दयाल, श्वेता विजय जैन के साथ बिजनेसमैन अरुण गहलोत, मीडिया कर्मी वीरेंद्र शर्मा मिलकर काम करते थे। मानव तस्करी मामले में पीड़ित युवती मोनिका यादव ने एसआईटी को दिए बयानों में बताया है कि अरुण गहलोत ने ही आईएएस पीसी मीणा के अश्लील वीडियो वायरल किए थे। इसके बाद श्वेता विजय जैन और आरती दयाल के बीच दूरियां बन गई थी। मोनिका ने बयानों में बताया है कि आरोपियों द्वारा ब्लैकमेलिंग के हर मामले में मीडिया कर्मी गौरव शर्मा ही माध्यम होता था। वह इनके माध्यम से ही ब्लैकमेल के पैसों का लेन देन होता था। आरोपियों ने ब्लैकमेलिंग के जरिए ट्रांसफर, पोस्टिंग, सरकारी ठेके दिलाने का काम हाथ में ले रखा था। इस मामले में छतरपुर के एक थाना प्रभारी की भी भूमिका सामने आई है, जिसे आरोपियों द्वारा अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने संबंधी सभी बातें मालूम थी। वसूली के साथ ठेके भी हथियाए। मोनिका ने बयान में बताया है कि आरती ने छतरपुर में स्थानीय नेता मनोज त्रिवेदी का अश्लील वीडियो बनाया था, जिसे वह ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूलना चाहती थी। लेकिन उस टीआई ने आरती को बताया कि त्रिवेदी प्रभावशाली नेता है और उसके लोग कुछ भी कर सकते हैं। टीआई की बात सुनकर आरती ने त्रिवेदी को ब्लैकमेल करने का इरादा छोड़ दिया था। मोनिका ने बताया कि आरोपियों ने छतरपुर के कार शोरूम संचालक मनीष अग्रवाल, भोपाल के व्यवसायी नरेश सतलानी, खुद को सरकारी अफसर बताने वाले अरुण निगम और हरीश खरे को ब्लैकमेल करके मोटी रकम और सरकारी ठेके हासिल किए थे। ब्लैकमेलिंग के जरिए आरोपियों ने आईएएस पीसी मीणा से 20 लाख रुपए, व्यवसायी नरेश सतलानी से 5 लाख रुपए और एक अन्य आईएएस अधिकारी से 1 करोड़ रुपए लिए थे। इस मामले में गौरव शर्मा भी शामिल था, जिसके हिस्से में 33 लाख रुपए आए थे। गौरव ही पूरे पैसों का सेटलमेंट कराता था। इस मामले में अभी एसआईटी पूर्व चालान पेश करेगी, जिसमें गौरव और ओम प्रकाश नामक व्यक्ति के खिलाफ भी पूरक चालान पेश किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अभी दिल्ली भोपाल के कई वरिष्ठ पत्रकार भी जांच के घेरे में हैं। आरती की गुलाबी डायरी में है अधिकारियों के कई राज। जी हां, एसआईटी ने चालान में बताया है कि आरोपी आरती दयाल की गुलाबी डायरी में सरकारी अफसरों के ट्रांसफर संबंधी जानकारी और अतरंग वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग से करोड़ों रुपए की उगाही की जानकारी दर्ज है। मामले में आरोपी आरती दयाल की हस्तलिपि में 5 डायरी मिली है, जिसमें गुलाबी डायरी में अंतरंग वीडियो के आधार पर वसूली गई रकम का उल्लेख है। जिन लोगों से वसूली गई है उनके नाम कोडवर्ड में लिखे हैं। आरती से बरामद अन्य 4 डायरियों में सरकारी अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग संबंधी जानकारी और करोड़ों की प्रॉपर्टी के लेन देन की जानकारी भी दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।